11 दिन हो गए अभी बॉडी कोई अता पता नहीं है, ना पुलिस वाले ने मतलब कोई हमारी करे और बॉडी मिले तो हमें बता दे। हम लोग तो दूर रोड भैया ढूंढते, पर्चे भी छपवाए, सारी जगह छपवाए, कल परसों पूछा, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ बैठो, मतलब अपने बच्चे की तलाश हो अगर तो बैठो, यहाँ तो मिलेगा नहीं, वैसे नहीं मिलता। देखिए बॉडी तो हमें मिलती कि अपने बच्चे को देखते, एक बार तो देखते कि हम चला तो गए दुनिया से, ना किसी ने ढूंढा, ना किसी ने मदद करी हमारे परदेश में। जिसने मुकदमा दर्ज कर लिया, तफ्तीश जारी है, उस तलाश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ पानीपत में और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। हरियाणा के पानीपत जिले में पिछले 11 दिनों से एक 6 साल का मासूम बच्चा नहर में डूबकर लापता है और पिछले 11 दिनों से जो बच्चे के माता पिता हैं वह बच्चे की तलाश के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। वह रोज़ नहर किनारे इस आस में आते हैं कि उनके बच्चे का जो शव है पानी से ऊपर आ जाए, लेकिन फिलहाल माता पिता की जो उम्मीद है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। नहर किनारे खड़ी ये माँ रोज यहाँ पर आती है और एक टक से नहर की ओर निहारती रहती है कि काश उसका बेटा उसे मिल जाए। रोजाना ये माँ बाप नहर किनारे आते हैं, घंटों घंटों यहाँ पर बैठे रहते हैं और दूर दूर तक जाते हैं कि काश उन्हें उनका बेटा उत्तम मिल जाए, लेकिन अभी तक उनका बेटा नहीं मिल पा रहा है। 12 से 13 दिन हो चुके हैं नहर में डूबे हुए 6 साल के मासूम उत्तम को, लेकिन अभी तक उसका शव भी बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि वो भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन माँ कहती है कि पुलिस कहती है कि यहाँ पर तुम रोज बच्चे को ढूंढो, अगर उसका शव मिल जाए तो हमें भी सूचना देकर बता देना। आपको बता दें कि ये पूरा मामला है आज से 11 से 12 दिन पहले का, जब गोपाल कॉलोनी के रहने वाले दो भाई नहर किनारे पहुंच जाते हैं। भाई एक डूबने लग जाता है तो दूसरा भाई भी नहर किनारे पहुंच जाता है। ऐसे में दोनों बच्चे डूबने लग जाते हैं तो पास से गुजर रहा एक व्यक्ति एक बच्चे को तो बाहर निकाल लेता है, लेकिन दूसरा बच्चा डूब जाता है जिसकी उम्र 6 साल है और नाम है उसका उत्तम। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, आंखों में आंसू है और उम्मीद भी है कि कब उनका बेटा यहाँ पर मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं अब माँ की उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है। उनका कहना है कि कब उनके बेटे का शव मिलेगा ताकि वो अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार कर पाए। एक बार सुनिए माँ का क्या कुछ कहना है। खेलते खेलते आ गया सर, पता नहीं हमको, हम तो काम पे गए थे, वो और गिर गया, एक गिर गया फिर दूसरा भी गिर गया उसके साथ में, और आज तक 11 दिन हो गए अभी बॉडी कोई अता पता नहीं है, ना पुलिस वाले ने मतलब कोई हमारी करे और बॉडी मिले तो हमें बता दे। कुछ नहीं कह रही, मैं तो कह रही है, कह रही कि यहाँ बच्चा ढूंढने की कोशिश करो आप लोग, मतलब अपनी आप अपना थोड़ा बहुत वो करो, देखो भालो अगर मिले आपको बॉडी तो हमारे, हमें को तुरंत सूचना दो। अच्छा, अपने आप ये बोल रहे हैं? हाँ, अपने आप ढूंढो। हाँ, फिर आप लोग रोज ढूंढते हो? फिर दोनों हम लोग तो दूर रोज भैया ढूंढते, पर्चे भी छपवाए, सारी जगह छपवाए, कल परसों कहीं। आप किस तरह ढूंढ रहे हो? रोज देखते हो कहाँ? झील तरफ जाते हैं जहाँ वो लगाए, मतलब वहाँ तक हम गए, कल भी हमारा भाई और हम दोनों लोग गए थे वहाँ तक कुछ, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ बैठो, मतलब अपने बच्चे की तलाश हो अगर तो बैठो, यहाँ तो मिलेगा नहीं, वैसे नहीं मिलता यहाँ, ऐसे छोटा बच्चा है कहीं रास्ते में अटक गया होगा। अब इतनी मदद तो मेरे पास पैसे है नहीं कि हम गरीब आदमी पैदा करते खाते हैं, बस 4 बच्चे हैं। तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं पानीपत की, जहां पर 6 साल का मासूम उत्तम 11 से 12 दिनों से नहर में डूबा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं पता चल पा रहा है। रोजाना माता पिता यहां पर उसे ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन खाली हाथ शाम को लौट जाते हैं। अगले दिन फिर सुबह होती है और तुरंत माँ बाप यहाँ पर आ जाते हैं ताकि उनका बेटा उन्हें मिल पाए। कई किलोमीटर तक पानी में खुद ही रोजाना ये माता पिता तलाश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। माँ की और पिता की दोनों की उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है। तो कैसे ढूंढेंगे बताओ साहब? बच्चे जो थे, आपका बड़ा बच्चा नारियल निकाल रहा था, ये तो मैं भगवान को पता होगा, ये भैया सर हमको नहीं पता। अच्छा, हम तो काम पे गए, जो छोटा था वो उसको बचाने के लिए। क्या हुआ, ऐसे क्या बताया लोगों ने? अभी ने जिनने देखा है उन्हें को पता होगा, जैसे किसने किसने देखा, हमको भी अभी मिला भी नहीं, जो निकाला है उसको भी अभी हमें नहीं मिले कि भैया कैसे निकाला, उसके भी चोट लग गई थी जितने निकाला,
वो भी हमें दोबारा नहीं मिला, क्योंकि हम वो बचाए उसी के सारे अभी जिंदा हैं, बस कि उसी को देख के चलते हैं बस। क्या कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन, क्या मदद मांगते हैं आप? हम मदद तो यही मांगते हैं कि बॉडी तो हमें मिलती, कि अपने बच्चे को देखते एक बार तो देखते कि हम चला तो गए दुनिया से, मगर एक बार तो मिलती बॉडी, ना किसी ने ढूंढा ना किसी ने मदद करी हमारे प्रदेश में। कहाँ के रहने वाले हो? वहीं इस मामले में जांच अधिकारी का कहना है कि ये बच्चे के लापता होने की शिकायत मिली थी, अब बच्चे की तलाश की जा रही है, जैसे ही बच्चा मिल जाता है तो वो आगे की जानकारी मीडिया को देंगे। एक तारीख को दो बच्चे गोपाल कॉलोनी के कोई खेल रहे थे वहाँ, तो हमें सूचना मिली कि हाँ बच्चे डूब गए। एक बच्चे को तो वहाँ किसी ने निकाल लिया था, इतने मौके पर पहुंचे, एक बच्चा उसमें डूब गया, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया, उसकी तफ्तीश जारी है, उस तलाश कर रहे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, इंतजार है बेटे का शव मिलने का। अब ऐसे में परिवार जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि कम से कम बेटे का शव ही तलाश कर लिया जाए, ताकि बेटे का अंतिम संस्कार करके उसकी आत्मा को शांति मिल सके। माँ का कहना है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट गोताखोर लगाकर अपने बेटे की तलाश करवा सके। अब उम्मीद खुद पर है, भगवान पर है, और प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे को ढूंढवा दिया जाए, ताकि जब उसका शव मिले तो उसका अंतिम संस्कार कर पाए। तो आपसे अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट। अब तक 11 दिन हो गए, अभी बॉडी कोई अता पता नहीं है, ना पुलिस वाले ने मतलब कोई हमारी करें और बॉडी मिले तो हमें बता दें। हम लोग तो दूर रोज भैया ढूंढते, पर्चे भी छपवाए, सारी जगह छपवाए, कल परसों पूछा, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ बैठो, मतलब अपने बच्चे की तलाश हो अगर तो बैठो, यहाँ तो मिलेगा नहीं, वैसे नहीं मिलते। बॉडी तो हमें मिलती, कि अपने बच्चे को देखते एक बार तो देखते कि हम चला तो गए दुनिया से, ना किसी ने ढूंढा ना किसी ने मदद करी हमारे प्रदेश में। जिसने मुकदमा दर्ज कर लिया, उसकी तफ्तीश जारी है।